सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धुधड़ का मंदसौर जिले का सबसे बड़ा केंद्र है। साथ ही चारों तरफ भाग भागती सड़कों पर रोज होती दुर्घटनाओं में लगातार क्षेत्र में पिछले 15 से 20 दिनों में कई लोगों ने इलाज के अभाव में अपनी जान गंवाई। बावजूद उसके जवाबदार डॉक्टर, जनप्रतिनिधि, अधिकारी और सबसे बड़ी बात मध्य प्रदेश शासन के वित्त मंत्री माननीय जगदीश जी देवड़ा की विधानसभा क्षेत्र होने के बावजूद किसी को किसी भी घटना दुर्घटना अन्य बीमारियों से भी कोई सरोकार नहीं है। 25 अक्टूबर रात 7:30 बजे मुरखेड़ा का राकेश मीना दुर्घटना का शिकार हो गया। परिजन और ग्रामवासी जब तक उसको हॉस्पिटल लेकर पहुंचते तब तक शायद रास्ते में या हॉस्पिटल पहुंचकर उसकी मौत हो चुकी थी। परिजन धुंधड़ का हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टर को ढूंढना शुरू किया, लेकिन पूरा हॉस्पिटल खोजने के बाद भी वहां न तो डॉक्टर था, न नर्स, न कंपाउंडर था। परिजनों ने परेशान होकर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष किशोर गोयल को फोन लगाया। कुछ ही समय में हॉस्पिटल पहुंचकर जब गोयल ने जवाबदार डॉक्टर को 5 बार कॉल किया, लेकिन डॉक्टर सतीश गोंद ने फोन रिसीव नहीं किया। फिर शमो डॉक्टर के एल राठौर साहब को लगाया और हॉस्पिटल की परिस्थिति बताई, लेकिन डॉक्टर राठौर भी किंतु परंतु करने के बावजूद कुछ नहीं कर पाए। ऐसी विचित्र स्थिति में श्री गोयल ने ग्रामीणों एवं परिजनों की मांग पर धरने पर बैठ गए। धरने से ही श्री गोयल ने नायब तहसीलदार श्री राहुल डाबर को कॉल कर मौके पर बुलाया। लगभग 11:30 बजे तहसीलदार हॉस्पिटल धरने पर बैठे लोगों से बात की। श्री गोयल की मांग पर अनुपस्थित जवाबदारों के खिलाफ पंचनामा बनाया गया। साथ ही हॉस्पिटल की व्यवस्था सुधारने की मांग सहित सभी सुधारों के आश्वासन के बाद रात 12 बजे धरना खत्म किया गया। साथ ही 8 दिन के अंदर व्यवस्था सुधारने का समय भी निश्चित किया है, अन्यथा ब्लॉक कांग्रेस अनिश्चितकालीन धरना देगी। आश्चर्य की बात यह है कि 3 घंटे चले घटनाक्रम में नायब तहसीलदार के पहुंचने के बावजूद एक भी जवाबदार डॉक्टर नहीं पहुंचा। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस महामंत्री श्री हरि प्रसाद माली, नन्हा भाई मीना, गोविंद माली, शंभूलाल धाकड़, अशोक धाकड़, याकूब भाई, प्रकाश धाकड़, बाला शंकर धाकड़, जुगल किशोर पाटीदार, नागेश्वर धाकड़, मंगल बंगोरिया, बालाराम धाकड़, जगदीश धाकड़ सहित मुरखेड़ा गांव के लोग एवं मृत व्यक्ति के परिजन उपस्थित थे। कल रात को 8 बजे के समथिंग मेरे पास कॉल आया कि एक्सीडेंट हुआ है और हम लोग हॉस्पिटल पहुँच रहे हैं इसको लेके। तो और वहाँ वो जब पहुँचे वहाँ पे तो एक भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं था वहाँ पे। जब तक वो उस व्यक्ति को लेके हॉस्पिटल पहुँचे उसकी सांसें चल रही थी। अगर समय पर उस व्यक्ति को चिकित्सा मिल जाती तो व्यक्ति नहीं मरता। उस परिवार के जो चिराग खोया है उनने, परिवार ने, वो नहीं खोता। मेरे पास कॉल आया तो उसके बाद मैं पहुँचा वहाँ पर और लगातार मैं डॉक्टर को कॉल करता रहा। डॉक्टर ने फ़ोन अटेंड नहीं किया। मैंने नायब तहसीलदार जी को फ़ोन किया, मैंने SDM साहब को फ़ोन किया, मैंने CHMO को फ़ोन किया। डॉक्टर गोर्डन ने मेरा फ़ोन 4 बार कॉल करने के बाद भी नहीं उठाया। जब CHMO साहब ने उनको कॉल किया तब उनने, डॉक्टर गोर्डन ने मेरे को कॉल ना करते हुए वहाँ के कर्मचारी को कॉल किया कि यार वो किशोर जी से बात कराओ हमारी। और जब मेरे से बात कर रहे हैं तब वो जवाब ये दे रहे हैं कि डॉक्टर कुतवाल की ड्यूटी लगी हुई है यहाँ पर। और जब CHMO साहब से मैंने बात करी तो CHMO साहब का यह कहना है कि एक नर्स की ड्यूटी लगी हुई है। जब जो जवाबदार व्यक्ति उसको ये पता नहीं कि ड्यूटी किसकी लगा रखी है तो ये इलाज क्या करेंगे ये लोग। उस वो व्यक्ति तो मर चुका है, लेकिन ये व्यवस्था की बात है कि अभी रोज़ घटनाएँ दुर्घटना हो रही है यहाँ पर। हम लोग रोज़ लोगों को हॉस्पिटल पहुँचा रहे हैं, समय पर चिकित्सा नहीं मिलने की वजह से पिछले 15 दिनों में कम से कम हमने 5 से 10 लोगों को इस रोड पर हमने खोया है। जिला कलेक्टर महोदय से क्या मांग करते हो? मैंने रात को भी माननीय नायब तहसीलदार जी से ये मांग करी कि पंचनामा बनाओ आप, और पंचनामा बना के सारे स्टाफ को यहाँ पे सस्पेंड किया जाए, निलंबित किया जाए और एक अच्छा स्टाफ यहाँ पे पदस्थ किया जाए।